इक्विटीज़ और आईपीओस की बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटीज़ वाला, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में ही अपना पैसा रहने दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स आपके लिए पैसा बनाने के बजाय आपका पैसा जलाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप आज एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं एक साल के लिए 100 रुपये का 5% इंटरेस्ट पर, यानी एक साल के बाद आपको 105 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस पर आपको 30% का टैक्स भी लगेगा, यानी आपके पास रह गए 103 रुपये 50 पैसे। सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 3.5 रुपये कमा लिए। लेकिन अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन चल रही है 6% की, यानी जो चीज़ आज आप 100 रुपये की खरीद सकते थे वो अगले साल 106 रुपये की होगी। आपके पास पैसे रह गए सिर्फ 103 रुपये 50 पैसे। तो बेसिकली आप वो चीज़ भी नहीं खरीद सकते अगले साल जो कि आप इस साल अफोर्ड कर सकते थे। इस सब्जेक्ट पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप इक्विटीज़ की वोलेटिलिटी नहीं देखना चाहते और फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें? वेल, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बॉन्ड्स का, लेकिन बॉन्ड्स में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना आसान काम नहीं है, इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। ये फंड्स इन टर्न आपके पैसे बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इवन तो मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना आसान काम नहीं है। मेरा मानना है कि आपको इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। बॉन्ड्स की नॉलेज आपको अपने लिए सही डेट म्यूचुअल फंड्स भी चुनने के लिए मदद करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड्स के कुछ बेसिक्स समझाऊंगा। आपको बताऊंगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रेटिंग एक्सेट्रा क्या होती है और बॉन्ड के फीचर्स क्या होते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड वी विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो हमारा ऐप जेड फंड डाउनलोड करें। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड एक्सपेंशन के लिए एक नई फैक्ट्री लगाना चाहती है जिसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये 100 करोड़ रुपए रेस करने के लिए एबीसी लिमिटेड के पास दो ब्रॉड ऑप्शंस हैं। एक तो वो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी बेचे जा सकते हैं या फिर प्राइमरी मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ आईपीओस भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन इससे जो एग्जिस्टिंग ओनरशिप है ओनर्स की वो कम हो जाती है एंड दैट इज वाई दिस इज नॉट द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उधार लेने का, ठीक उसी तरह जिस तरह आप या मैं कार लोन या एजुकेशन लोन एटसेट्रा लेते हैं। तो एबीसी लिमिटेड डिसाइड करते हैं कि उनको जो पैसों की जरूरत है वो एक लोन के फॉर्म में ही उठाएंगे। एक ऑप्शन तो है बैंक के पास जाने का, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली इन्वेस्टर से ये पैसा उठाने का इन द फॉर्म ऑफ लोन। एबीसी लिमिटेड डिसाइड करते हैं कि इस लोन के लिए वो 8% पर ईयर इंटरेस्ट देने को रेडी है, पेएबल एनुअली। सो इन ऑर्डर टू रेज दिस मनी एबीसी लिमिटेड को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर्स एज अ प्रूफ ऑफ टेकिंग द मनी। इस सर्टिफिकेट को बॉन्ड कहा जाता है। अब क्योंकि कोई भी एक सिंगल इन्वेस्टर तो 100 करोड़ रुपए नहीं देगा तो इसीलिए एबीसी लिमिटेड डिसाइड करते हैं कि हर बॉन्ड की फेस वैल्यू वो 1000 रुपए की रखेंगे, विच मीन्स दे वुड हैव टू इशू अ टोटल ऑफ 10 लाख बॉन्ड्स। तो बेसिकली एक बॉन्ड ऐसा सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कंपनीज इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को टू रेज मनी फ्रॉम देम। इनफैक्ट ना केवल कॉर्पोरेट्स बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PSUs भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। आपने सुना होगा अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स या फिर NHAI बॉन्ड्स, PFC बॉन्ड्स एक्सेट्रा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स पर जो कि सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है उस पर एक वीडियो बनाया है जिसको आप यहां देख सकते हैं। अब देखते हैं किसी भी बॉन्ड के प्राइमरी फीचर्स क्या होते हैं। अज्यूम करते हैं कि एबीसी लिमिटेड ये पैसे 5 साल के लिए उधार ले रहे हैं और जैसा हमने पहले बताया था उस पर ये 8% इंटरेस्ट देने को रेडी हैं। सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स टू दिस बॉन्ड। सबसे पहला तो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी उस एक बॉन्ड या एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कितना पैसा रेज कर रही है। एबीसी लिमिटेड के केस में ईच बॉन्ड वॉज फॉर रेजिंग 1000 रुपीज, यानी इस बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपए की हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी बॉन्ड का होता है उसका टेन्योर। टेन्योर यानी बॉन्ड की अवधि। हमारे एग्जाम्पल के केस में कंपनी उधार 5 साल के लिए ले रही है तो इस बॉन्ड का टेन्योर 5 साल का हुआ। 5 साल के बाद जब बॉन्ड होल्डर ये बॉन्ड वापस कंपनी को देंगे तो कंपनी उन्हें जो फेस वैल्यू है यानी 1000 रुपए वो वापस कर देगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी बॉन्ड का है उसका इंटरेस्ट या कूपन रेट। ये वो रेट है जो कंपनी प्रॉमिस करती है टू पे टू द बॉन्ड होल्डर एट रेगुलर इंटरवल्स। एबीसी लिमिटेड के केस में इंटरेस्ट रेट 8% का है विच इज पेएबल एनुअली। एट द एंड ऑफ ईच ईयर एबीसी लिमिटेड अपने हर बॉन्ड होल्डर को 80 रुपए पे करेगा विच इज 8% ऑफ 1000 रुपीज।
अब जब हमने समझ लिया कि एक बॉन्ड क्या होता है और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, दो सवाल आते हैं दिमाग में। पहला तो ये कि जब हमें पता है कि बॉन्ड से हमें कितना पैसा कब कब मिलने वाला है, तो इस बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में ऊपर नीचे क्यों होती है। और दूसरा, डिफरेंट कंपनीज सेम टेन्योर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स क्यों ऑफर करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए इन दोनों सवालों के जवाब एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर सेम समय के लिए दो कंपनीज पैसे रेज कर रही है तो उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट अलग क्यों है। इसका मेन रीजन है क्रेडिट रिस्क। किसी को भी पैसे उधार देते वक्त हमारी सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि ये पैसे हमें वापस मिलेंगे या नहीं। सिमिलरली कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देने से पहले ये सोचता है कि मेरे ये पैसे सेफ है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। लेकिन इसका अनुमान लगाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इस प्रॉब्लम के उपाय के लिए देर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सच एज फिच, S&P या मूडीज। ये एजेंसीज बॉन्ड को इशू करने वाले इंस्टीट्यूशंस की पूरी तरह रिसर्च करती हैं और हर बॉन्ड को अलग रेटिंग देती हैं। ये रेटिंग उस बॉन्ड का रिस्क फैक्टर बताती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर S&P AAA रेटिंग देती है किसी बॉन्ड को तो वो सबसे सेफ माना जाता है। इसके नीचे कई सारी रेटिंग्स होती हैं जैसे AA, BBB, BB, C और D। D सबसे लोएस्ट माना जाता है, जिसको डिफॉल्ट रेटिंग भी कहा जाता है। सो ऑब्वियस ही बात है कि रेटिंग जितनी अच्छी रहेगी, इन्वेस्टर्स उतना विलिंग रहेंगे टू गिव मनी टू दैट कंपनी, और इसके कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम ही रहेगा। अगर किसी कंपनी की या बॉन्ड की रेटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स विल आस्क फॉर अ हायर इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं बॉन्ड में प्राइसेस के उतार चढ़ाव की। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये वोलेटिलिटी रहती है बॉन्ड प्राइसेस में, लेकिन दो मेन रीजंस है, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट रिस्क चेंजेस। चलते हैं अपने ABC लिमिटेड वाले एग्जाम्पल पर ही। मान लीजिए बॉन्ड के इशू के बाद मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। एक सिमिलर रेटेड बॉन्ड ABC लिमिटेड के बॉन्ड इशू के एक साल बाद 10% पर अवेलेबल हो जाता है। अब कोई भी इन्वेस्टर ABC लिमिटेड के बॉन्ड्स 8% वाले इंटरेस्ट रेट पर क्यों लेगा, जब उनके पास एक ऑप्शन है टू बाय अ न्यू बॉन्ड विद 10% इंटरेस्ट रेट विद द सेम क्रेडिट रिस्क रेटिंग। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं ABC लिमिटेड के, वो अगर अपने बॉन्ड्स बेचना चाहें तो उन्हें एक डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा। तो जैसा आपने देखा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे मार्केट में, वैसे वैसे एग्जिस्टिंग बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। इसका उल्टा ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, यानी अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं मार्केट में तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा रीजन जिसके कारण बॉन्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है मार्केट में, वो है क्रेडिट रिस्क चेंजेस। मान लेते हैं कि बॉन्ड के इशू के वक्त S&P ने जो ABC लिमिटेड के बॉन्ड्स को रेटिंग दी थी वो AA+ की थी, विच इज द सेकेंड बेस्ट अवेलेबल। इस रेटिंग के अगेंस्ट ABC लिमिटेड को 8% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। अब 2 साल के बाद कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो किसी कारण से कम हो जाती है और कंपनी लॉसेज में चली जाती है। S&P दोबारा रिव्यू करता है इन बॉन्ड्स को और अब BBB की रेटिंग दे देता है। अब अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर इन बॉन्ड्स को बेचना चाहे तो न्यू इन्वेस्टर इस बॉन्ड को सेम प्राइस पर तो लेगा नहीं, क्योंकि इस पर रिस्क बढ़ गया है। वो ऑब्वियसली एक डिस्काउंट एक्सपेक्ट करेगा पार वैल्यू पर। दिस ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ये तो थे बेसिक्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनमें कई सारे एट्रीब्यूट्स और फीचर्स देखने पड़ते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉल एंड पुट ऑप्शंस एटसेट्रा। इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन रिटेल इन्वेस्टर्स को यही रहती है कि अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही करें। ये फंड्स प्रोफेशनली मैनेज रहते हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करें। हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें ऑन 7217746224। अगर आपके बॉन्ड्स को लेकर या किसी भी और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।